दुमका में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना एक ऐसा मुद्दा है जो झारखंड के हर प्रमुख राजनीतिक दल के चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल होता है। यह बात दीगर है कि दुमका से झारखंड में तीन तीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के होने के बावजूद झारखंड की स्थापना के 18 साल बीत जाने के बावजूद संथाल परगना के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए दुमका में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं हो सकी है। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य की स्थापना होने के बाद से ही तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसमें कदम उठाया था और वो खुद यहाँ आए थे और हम लोग को साथ ले, उनकी मंशा थी कि हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना यहाँ हो। वो कानून के तहत कर रहे थे, क्योंकि बिहार रिऑर्गनाइजेशन एक्ट जो बना जिसके तहत कि झारखंड राज्य की स्थापना हुई उसी में यह प्रावधान दिया हुआ है कि रांची मुख्य उच्च न्यायालय जो होगा वो रांची में होगा और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस और गवर्नर वो दोनों अगर चाहें तो झारखंड हाईकोर्ट के उच्च बेंच की स्थापना कहीं भी कर सकते हैं। तो चूंकि यह शेड्यूल्ड एरिया है, संथाल परगना पूरा जब जिस समय से जिला बना है उसमें से दुमका हेडक्वार्टर रहा है या उपराजधानी का दर्जा है, इसको 26 जनवरी को मुख्यमंत्री और 15 अगस्त को गवर्नर यहाँ झंडा फहराने के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय यहाँ है, राजभवन यहाँ बन गया है, उसके बावजूद जब हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए चीफ जस्टिस यहाँ आए तो घूमे हम लोगों के साथ, उन्होंने साइट सिलेक्शन किया और फाइनली आपको पता होगा कि पुलिस लाइन के पीछे का बहुत बड़ा एरिया है उसमें उन लोगों ने सेलेक्ट किया कि वहाँ हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो। उसके एक्विजिशन का काम शुरू हुआ, उसमें करीब करीब 18 एकड़ या 15 एकड़ फॉरेस्ट लैंड था, उसके लिए लिखा पड़ी हुआ, यहाँ से सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट को लिखा गया, वहाँ से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे क्लियरेंस दिया, वो क्लियरेंस के साथ जो नियम है उसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जितना ज़मीन वो लिया जा रहा था हाईकोर्ट के लिए उसको अलग जगह में मुहैया कराना था, वो भी ज़मीन रामपुर के पास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुहैया कराया जा चुका है, कंपनसेशन दिया जा चुका है। इस दफ़ा हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टियां सभी अपने मैनिफेस्टो में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो के बाद किसी को कोई ध्यान नहीं रहता है। ये सरकार जब बनी इसका जो फर्स्ट कैबिनेट हुआ था उस फर्स्ट कैबिनेट में यह मुद्दा उठा था और उसी में ये कह दिया गया, ये निर्णय ले लिया गया कि शायद दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। ये निर्णय तो पूर्व में ही हो चुका है। प्रश्न ये है कि आप कितना कदम उठा रहे हैं, कितनी मंशा है आपकी और इस तरफ आपने कितना काम किया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे राजनीतिक दल वाले सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं और फिर लोगों को यह कहकर बरगलाते हैं कि उसके पीछे ये लगे हुए हैं और उसके लिए वो उनकी पार्टी को वोट दे। वे इस काम को करना नहीं चाहते हैं। दुमका में हाईकोर्ट के बेंच का मुद्दा ऐसा ही मुद्दा है, चाहे वो बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की सरकार रहे या UPA के नेतृत्व में कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री वाली सरकार रहे या निर्दलीय मुख्यमंत्री वाली सरकार रहे, किसी ने भी दुमका में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना के प्रति सजगता नहीं दिखाई, सिर्फ थोड़ी बहुत चहलकदमी की और बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया ताकि फिर अगले चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाकर अपने मैनिफेस्टो में डाल सकें। यहाँ तक कि जिस दुमका ने शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को न सिर्फ एक पहचान दी बल्कि उसे झारखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान दुमका में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना नहीं की, सिर्फ वो भी अपनी पार्टी के लिए इसे एक मुद्दा बनाकर मैनिफेस्टो में ही डालते रहे। और यहाँ की जनता जो गरीब है, संथाल परगना की रांची नहीं जा पाती है, वे कोर्ट में अपने साथ हुए ज्यादती का प्रतिकार करने के लिए हाईकोर्ट का मुंह नहीं देखकर अन्याय सहने को विवश है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।